क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिजा सलीम है। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, कहाँ से पढ़ रही हैं? मैं इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा, इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो क्या ज़रूरत पेश आई है आपको, क्या आपको लगा कि आपको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है? एक्चुअली ना, मैं जब किसी क्राउड में जाती हूँ या बाहर जाती हूँ तो मैं ना एक बहुत खौफ महसूस करती हूँ कि मैं अकेली नहीं जा सकती। एक्चुअली बात यह है कि ना मैं कभी अकेली पहले निकली हूँ, और स्कूल लाइफ तक ना मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, मैं सिर्फ यहाँ तो उसके साथ जाती थी या अपनी अम्मी के साथ। तो अब ये सिचुएशन है कि अब जैसे जैसे लाइफ गुजरती जा रही है, मैं बड़ी होती जा रही हूँ, तो अब मुझे ना खुद चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि जॉब्स वगैरह और यूनिवर्सिटीज़। तो मतलब ना, इन सब में जाने में ना मुझे बड़ी हिचकिचाहट फील होती है। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि आपके साथ ये जो इशू है, ये आपके कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने के साथ स्टार्ट हो रहा है? नहीं, मतलब ये मेरे साथ ये है कि मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, और ये है कि मैंने अकेले चलना सीखा ही नहीं, तो इसलिए अब मुझे मुश्किल हो रही है। तो जब आप कहीं किसी जगह पर जाना चाहती हैं, तो आप चाहती हैं कि आपके साथ ऑल टाइम कोई ना कोई हो, आप अकेली ना हो। तो आप अकेले, लेकिन अकेले तो बहुत कुछ फेस करना आता है अपनी लाइफ में ना। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आप किस एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से ये जो परेशान हो जाती हैं आप लोगों से मिलते हुए, इसकी वजह से आप अपनी किसी लाइफ के गोल में या किसी भी चीज़ में पीछे रह रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अब मैं अगर मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं होगा, मैं कैसे जा सकूँगी जॉब वगैरह पे, या मैं कैसे कर सकूँगी? अब तक जॉब वगैरह पे नहीं जा सकी मैं इसी बात की वजह से, तो इसलिए मैंने आपके पास आना चाहा। तो आप जॉब करना चाह रही हैं? हाँ, जॉब करना चाह रही हैं। आप तो कह रही हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो एज अ स्टूडेंट आप जॉब, लेकिन पार्ट टाइम हम जॉब भी तो साथ कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना, मैं एक बार ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़ रही हूँ, मैं तो वो प्राइवेट है। ठीक है, मैं आपकी सिचुएशन समझ रही हूँ कि आप ना लोगों को फेस नहीं करना चाहती, आप उनको फेस करते हुए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आप लोगों से डरती हैं। अच्छा, आप क्या फील करती हैं आप जब आप किसी से मिलती हैं, मतलब एक क्राउडी प्लेस पे आप चले जाएं, तो देन आपकी कंडीशन क्या होती है, कि आप क्या फील कर रही होती हैं उस टाइम? देखिए, फील मैं ये करती हूँ कि जब मैं लोगों के हजूम में जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे जो लोग हैं ना, वो कोई मेरी तरफ आ रहे हैं, कोई मतलब मुझे कहीं गलत जगह हाथ ना लगा लें, कहीं मतलब काफ़ी डर होता है मेरे दिल में, या ना मुझे कोई अननोन पर्सन बुला लें और वो मुझसे कोई सवाल करे और मैं उसका सही जवाब ना दे पाऊँ, तो इससे इंसल्ट हो गया। मैं इन चीज़ों से बहुत डरती हूँ। हार्ट बीट का तेज होना, स्वेटिंग, स्वेटिंग होना, शिवरिंग होना, ये सारा कुछ है। चले ठीक है, मैं आप पर ना एक थेरेपी अप्लाई करूँगी। ठीक है, उसको कहेंगे एक्सपोयर थेरेपी। एक्सपोयर थेरेपी की बेसिकली बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, लेकिन हम आप पे जो टेक्निक अप्लाई करेंगे वो हो जाएगी इमेजिनली, इमेजिनल हो जाएगी वो। आपने ना उस चीज़ को इमेजिन करना है आपने, कि हाउ टू फेस दैट सिचुएशन ना, कि आप उस कंडीशन में गई हुई हैं, आप उस पोजीशन में हैं, देन आपको मैं वो चीज़ फील करवाऊंगी कि आखिर आप क्या फील कर रही हैं ना। जब आपने वहाँ पर जाना है, आपने अपनी आइज को क्लोज करना है, उन आइज को क्लोज करने के बाद आपने वो चीज़ फील करनी है, वो सिचुएशन फील करनी है कि मैं इस जगह पर हूँ, एक क्राउडी प्लेस है, देन फिर आपने अपने उस टाइम की जो पोजीशन है ना, वो सारी मुझे बतानी है कि आप अब क्या फील कर रही हैं। ठीक है, कर पाएंगी? हाँ जी, चलो जल्दी। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई अ थेरेपी ऑन यू। ठीक है, जस्ट क्लोज योर आईज, फील द सिचुएशन, यू आर एट अ क्राउडी प्लेस, यस, टू मच क्राउड, यस, यू आर फीलिंग टू मच क्राउड, यस, फेसिंग द क्राउड, यस, व्हाट आर यू फीलिंग नाउ? बहुत घबराहट हो रही है, मतलब लोगों में जाके ना ऐसा लग रहा है जैसे सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं, और कहीं कोई मुझे बुला ना ले। आई एम स्टार्ट शिवरिंग, स्वेटिंग, मतलब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है मेरी। ओके, यू हैव टू टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, एक लंबा सांस लें। एक्सहेल करें, देन अगेन इनहेल, फिर से एक्सहेल करें, देन अगेन अगेन
अगेन एक्सहेल, दोबारा से एक्सहेल करें, फीलिंग बेटर, हार्ट बीट स्टेबल हुई है जी, थोड़ी थोड़ी बेहतर फील कर रहे हैं आप? हाँ जी। फेस कर पाएंगे? कर पाएंगी सिचुएशन को? हाँ जी। ठीक है, और अब क्या फील कर रही हैं? रिलैक्स फील कर रही हैं? थोड़ा सा मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं आपको लोगों के सामने लेके आ सकती हूँ। ठीक है, देन टॉक टू मी। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, यू हैव टू फेस द सिचुएशन। अगर आप किसी सिचुएशन को फेस करने की एबिलिटी नहीं रखती, देन आप कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए पहले तो हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहिए। जी। जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो हम फिर ही लोगों को फेस कर पाएंगे। जी। ठीक है, लोगों से डरना छोड़ दें, क्योंकि इज्जत और जिल्लत जो भी है सब अल्लाह ताला के हाथ में है, लोग कुछ भी नहीं कर सकते इससे हमारा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले बात ये कि आप कहीं पर भी जाएं, आप अकेली बिल्कुल भी नहीं है, आपके साथ हमारी अल्लाह ताला की जात मौजूद है। जहां पर अल्लाह ताला की जात आ जाए वहां पर इंसान अकेला नहीं रहता। ठीक है, उसको डरने की किसी भी किस्म के खौफ की जरूरत ही नहीं रहती। ठीक है, जब आप कहीं पर जाती हैं और अगर आपको फिर भी डर रहता है, तो फिर आप इमेजिन करें आपके साथ आपकी वो दोस्त है जिसको पकड़ के आपने चलना सीखा है, जिसको पकड़ के आप कहती हैं कि इसके होते हुए मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप इमेजिन कर ले उस सिचुएशन को। अगर फिर भी आप अपनी लाइफ में ना अकेले कुछ करना चाहती हैं ना, आप एक लंबा सांस लें। ठीक है, अपने आप को इतना रिलैक्स फील करवाएं कि सारे जैसे ना आपके घर के ही मेंबर हैं, कोई बाहर का बंदा नहीं है। आपको कोई बुलाएगा आप आराम से जाएं। ठीक है, पहले थोड़ी थोड़ी हर बंदा हिचकिचाता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में सब इंसान जो उनसे है ना घुल मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंसानों से डरना छोड़ दें, क्योंकि जब तक आप इंसानों से डरेंगी आप किसी भी सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगी। क्राउड से डरेंगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, और सेल्फ ग्रूमिंग तभी पॉसिबल है जब आप खुद को खुद ग्रूम करें। आपको यहाँ पर मैं समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आप यहाँ से जाएंगी बाहर, अगर इन बातों को अपने दिमाग पर नहीं लेंगी, इन बातों का असर नहीं लेंगी, तो इन बातों के करने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा होगा इनके करने का? नहीं ना। तो जब इनके करने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर आपको ये साइकेट्रिस्ट के पास आने की भी क्या ज़रूरत थी? ठीक है, साइकेट्रिस्ट होते ही इसलिए कि हम आपको बताएं, कुछ अच्छा बताएं, ताकि आप वो गेन करें और फिर उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करें। और जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। सो आपको चाहिए कि आप ना सिचुएशन को फेस करें, बी कॉन्फिडेंट, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, देन यू मस्ट बी एबल टू फेस एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ। ठीक है, ओके, हमेशा ये सोचें कि आप अकेली नहीं है, आपके साथ अल्लाह ताला है। ठीक है, ओके, होप आप कर पाएंगी इंशाल्लाह, और नाइस टू मीट यू, एंड इंशाल्लाह वी मीट यू अगेन विद अ कॉन्फिडेंट गर्ल। इंशाल्लाह, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। क्या नाम है आपका? शिजा सलीम। अच्छा शिजा सलीम, तो क्या करती हैं आप? मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो क्या वजह बनी है कि आपको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ी है? एक्चुअली कुछ अर्सा पहले ना मेरे साथ एक एक्सीडेंट पेश आया है, जिसकी वजह से मैं ना बहुत ज़्यादा टेंस हूँ, और मैं इस टेंशन को दूर करने के लिए ना आपके पास आई हूँ। तो वो क्या हादसा था? दरअसल ये हुआ कि कुछ अर्सा पहले ना मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें ना ये था कि हम लोग, मैं, मेरी मम्मा और मेरा 4 साल का भाई, हम लोग जा रहे थे एक लॉन्ग ड्राइव पे। हम बहुत मतलब हंसी खुशी जा रहे थे, तो उस दौरान ना एक हादसा पेश आया जो कि मैं भुला नहीं पाती। अच्छा, तो क्या आप वो मेरे साथ शेयर करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं उसी हादसे को भुलाने के लिए आपके पास आई, ताकि ये मेरी टेंशन दूर हो। ओके, तो ठीक है, मैं आपके ऊपर एक थेरेपी अप्लाई करूँगी, इट्स एन इमेजिनरी थेरेपी। मैं आपको उस सिचुएशन की तरफ लेके जाऊँगी, वो सिचुएशन आप अपने माइंड में क्रिएट करेंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वो एक सिचुएशन है।
ठीक है, उस सिचुएशन को आपने अपने माइंड में बनाना है, आपने फील करना है कि आप उस करंट सिचुएशन में मौजूद है, वो हादसा उसी वक्त पेश हो रहा है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इस कमरे में मेरे साथ बैठी हैं और यहाँ पर आपको बिल्कुल महफूज हैं, आप यहाँ पर आपको किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है, आप बिल्कुल महफूज है, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने उस सिचुएशन में जाना है। अगर आप उस सिचुएशन से ज़्यादा खौफज़दा होती हैं या बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करती हैं, आप अपनी आंखें खोल सकती हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप और एक और बात कि मैं इस पूरी थेरेपी के दौरान बिल्कुल आपसे बात नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ जहां पर आप खामोश हो जाएंगी, जहां पर ज़रूरत महसूस हुई कि आपको मदद की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने के लिए, मैं वहां पर बोलूंगी, ठीक है। तो क्या आप शुरू करना चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल। ओके, क्लोज योर आइज। व्हाट इज योर एसयूडीसी कंडीशन? 80। ओके, सीधे बताना शुरू करें क्या हो रहा है। भाई हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, दो गाड़ियां आ रही थी पीछे से बहुत फुल स्पीड में, और उनके पीछे एक ट्रक था, जो कि ट्रक दो गाड़ियों को बचाते बचाते हमारी गाड़ी से हिट हुआ। यस, यू आर डूइंग ग्रेट। नेक्स्ट, आगे क्या हुआ? मेरे सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी, उसके बाद मैंने अपनी मम्मा को देखा और उनके बाजू से खून निकल रहा था, तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आर यू ओके? तो मम्मा ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर हमने एकदम पीछे देखा तो पीछे मेरा भाई, जो कि सीट फोल्ड होने की वजह से उनके अंदर दब चुका था, वो ना मूव कर रहा था, ना बोल रहा था, ना अपने आप को कहीं उठने की कोशिश कर रहा था। तो मैं और मम्मा बहुत डर गए थे। यस, यू आर बीइंग ग्रेट। आगे क्या हुआ? तो हम लोग बाहर निकले और मम्मा चीखने चिल्लाने लग गई कि मेरा बेटा मर गया है, मेरा बेटा मर गया है। लेकिन मैंने अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश की तो मम्मा ने हाथ नहीं लगाने दिया। तो मैंने फिर अपना फ़ोन ढूंढना शुरू किया और मैंने अब पुलिस को कॉल की है और रिंग जा रही है लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा। तो मैंने दोबारा कॉल किया लेकिन फिर से कंटिन्यूसली कोई कॉल नहीं उठा रहा। लेकिन तीसरी दफ़ा एट लास्ट उन्होंने कॉल पिक की है और मैंने अपना एड्रेस और लोकेशन वगैरह सारा कुछ उनको बताया, और उसके बाद मैं अपने भाई को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरी मम्मा मुझे पकड़ने नहीं दे रही। वो कह रही है इसको हाथ भी नहीं लगाना, पुलिस आएगी, एम्बुलेंस आएगी और डॉक्टर ही हाथ लगाएंगे इनको। लेकिन मैं अपने भाई को बाहर निकालना चाह रही हूँ तो उतनी देर में पुलिस आती है और उन्होंने मेरे भाई को बाहर निकाला और एम्बुलेंस में डाल के उसको हॉस्पिटल ले गए। तो उसके बाद मैं और मम्मा हॉस्पिटल गए हैं और मेरी मम्मा बहुत ज़ोर से चीख चिल्ला रही हैं कि मेरा बेटा मर गया है, मुझे पता है मेरा बेटा मर गया है। तो मैं उनको दिलासा दे रही हूँ कि नहीं मम्मा, वो ठीक है, कुछ नहीं होगा उसको। यू आर डूइंग ग्रेट। आगे क्या हुआ? पुलिस हमें हॉस्पिटल ले गई है और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ क्या था, और मैंने उनको बताया कि हम ऐसे गाड़ी में जा रहे थे तीनों और पीछे से दो गाड़ियां आ रही थी और एक ट्रक आ रहा था, जो कि ट्रक ने उन दो गाड़ियों को बचाते बचाते हमारी गाड़ी को हिट कर दिया और ये हमारे साथ ये हादसा पेश आया। यू आर डूइंग ग्रेट। नेक्स्ट, अब हमें पुलिस ने अपने मेरे भाई के वार्ड नंबर और सारा कुछ बताया कि वो किधर है और किस हॉस्पिटल में। तो हम लोग उस हॉस्पिटल में गए हैं और वहाँ डॉक्टर से मिले और डॉक्टर्स ने कहा है ही इज़ नो मोर। और मेरी मम्मा चीखने चिल्लाने लग गई हैं कि मेरा बेटा मर गया, मैंने बोला था वो नहीं जिंदा। और अब पुलिस ने हमें कहा है कि आप हौसला रखें, अपनी अम्मी को हौसला दें, क्योंकि इस वक्त मैं भी बहुत सहमी हुई थी और मेरी अम्मी तो हाथों छोड़ के बैठ गई थी। और पुलिस वालों ने हमें कहा है कि हम आपको घर छोड़ देते हैं और आप घर जाएं, इस वक्त आपको यहाँ रहना मुनासिब नहीं। तो बस ये सारा वाकया। नाउ व्हाट योर एसयूडीसी लेवल? इट्स 70। यू आर फीलिंग रिलैक्स नाउ? जी। अगर आपको ये बात किसी से दोबारा शेयर करनी पड़े तो आप कर सकेंगी? आई थिंक सो। ओके, टॉक टू मी।
feeling better? Yeah. After sharing this condition? Yes. Okay. Now, if ठीक है आप परेशान नहीं हो, ठीक है आप इस बात को जितना शेयर करेंगी ना, क्योंकि दिल में बातें रखने से या खुद को अगर आप इस बात को किसी से शेयर नहीं करेंगी ना तो आप मज़ीद परेशान होंगी। हमेशा बात को शेयर करें ताकि अगर आप हर एक पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हम इस बात को किसी से शेयर करें, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझसे अपनी ये बात शेयर की, और आपने मुझसे ये बात शेयर किया तो आप रिलैक्स हो जाएं, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है इंशाल्लाह बेहतर होगा, अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है, ठीक है। हर मामला तो अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसकी जिस तरह से आई उस तरह उसने जाना है अल्लाह ताला की ज़ात के पास, तो आपको चाहिए कि आप अपनी मामा को सपोर्ट करें, ना कि आप खुद परेशान हो, ठीक है। आपको आपकी मामा को भी इस टाइम बहुत ज़्यादा दिलासे की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप स्ट्रांग होंगी तो ही आप अपनी मामा की मदद कर पाएंगी, अदरवाइज अगर आप ही वीक होंगी तो आप किस तरह से फिर अपनी मामा को सपोर्ट कर पाएंगी जी, ठीक है। तो प्लीज़ आप ना परेशान नहीं हो, ठीक है इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप शेयर करें, आपको जब भी कभी ज़रूरत पड़े मेरी मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आप मुझसे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब बेहतर होगा जो भी होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।